ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयरियाणं नमो नमो वैजायाणं साहुनं एसो पंच नमो कारो एसो पंच नमो कारो सव पावपनासनो मंगलानं च परमं हवै मंगलं मंगलानं च इच्छा कारणं संधि सह भगवं विरथुई अरनठाय उवठियो में तीर्थंकर परमात्मा एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए पूछी सुनम की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करेंगे। पूछी सोनम सम नामाहनाय आगारिनो या परतिथियाय से के निगंत ही अधम माहु अनेली संसाहु समिखयाए कहम चनाणम कहदंसनम से सीलम कहम नाय सुयस आसी जानासी नम भिक्खु जाहत हेना सोयंभुहि जहानि संतम खेयन्न एसे कुसले महेसी अनंत नाणी अनंतरंसि जसंसि नो चक्खु पहेठियस जानाहि मम च धीम च पेहि उड्ढम महे तिरियं दिशासु तस्य जेथा वर्जेय पाना से निच निचे समिख पन्ने दिवे वधम्मं समियं उदाहु से सवदंसी अभिभूय नाणी नीराम गंधे धीमं ठियप्पा अणुत्तरे सव जगंसि विज्जं गंथातीते अभय अणाउ से भूई पन्ने अनिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्खु अणुत्तरे तप्पै सूरिये वा वैरोय निन्देव तमं पगासे अणुत्तरं धम्म मीनं जिनाणं नेयामुनिका सव आसुपन्ने इन्देव देवान महानुभावे सहसनेया सेपन्नया अखय सायरे वा महोदहि वावी अनंत पारे अनाइले वाक साई भिक्खु सकेव देवा हि वै जुईमं सेवीरियेनं पडिपुन्न विरिये सुदंसने वा नगसव सेठे सुरालये वासी मुदागरे से वीराय इने गगुणो ववे सयं सहसान उज तीकंदगे पांडगवे जयंते से जो यने नव नवई सहसे उड्डु सीतो हेठ सहस मेघम उठे न बेची ठई भूमि वटिए जन सूरिया अनु परिव से मवन्ने बहुनंदने जन सिमरई वेदयंती महिंदा से पवए सदम
पन्नायते सूर्य सुधले से एवं सिरिये सुदंसनस्य वजसो गिरिस पवुच इमहतो पवयस एतो वमे समने नाय पुते जाई जसो दंसन नान सीले गिरिवरे वा निसहाय याणं रुए वसेठे तव मे से जगभूइ पन्ने मुनि न मज्जे तमुदाहु पन्ने अणुत्तरम धम्म मुइ रहिता अणुत्तरम जान सुसुख सुखम अपगंड सुखम संकिंदु गंतवदात सुखम अणुत्तर गम परमं महेशी अशेष कम्मं सविसोहिता सिद्धिं गई साई मणंत पते नाने न शीले न यदंसने न रुखे सुनाए जह सामलिवा जनसिम्रहि वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्द नमाहु सेठां नाने न शीले न यभूइ पन्ने थनियं वसद्दान अणुत्तरे चन्दोवताराण महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहु सेठा एयं मुनिनं अपडिन्न माहु जाहा सयंभु उदहीन सेठे नागे सुवादर निंद माहु सेठे को दैवार सवे जयंते तव वाहने मुनिने जयंते अति सुए रावन माहु नाए सीहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणु देवे दीवानवादी निहनाय पुत्ते जोहे सुनाए जवीस सेने पुपे सुवाज अरविंद माहो खतीन सेठे जह दंत वक्के सीन सेठे तहव दमाने दानान सेठां अभयपयानां सच्चे सुवान वज्जं वयंदि तवे सुवाओ उत्तम बंबचेरां लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते ठीन सेठा लवसतमावा सभा सुहमावा सभान सेठा निवान सेठा जह सवधमान नाय पुत्ता परमथि नानी पूढ़ो अमे धुन विगय गेहि न सन्निहिं को सुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभोगां अभयंकरे वीरे अनंत चक्षु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा ईयाणीवन्तारहमहेसी न को वै पावन कारवे किरिया किरियं वेणुयानुवायं अन्नानियानं पणियच्छठानं शेषववायं इवेयिता ओवट्ठिये संयमदिहरायं सेवारियायिति सराइ भत्तम् वाहनवं दुःखकयट्टयाय लोगं विदितारं परं च सौं बभुवारियसौववारं शोचाय धम्मं अर्हन्तभाष्यं समाह्यं मठपदो विशुद्धं तं सद्दहणाय जनानौ इन्देव देवाय वाग्मि सन्ति देवा हिवागमिसन् टीवी
मिति विरुथिनाम चट्टम अजनम संपूर्णम जम किंचि मिच्छाय मनदुकुडाय वैदुकुडाय कायदुकुडाय कोहाय मनाय मायाय लोहाय सव कलियाय सव मिच्छो वयराय सव धम्मिक मनाय सनाय जो मे देवसी अय्यारो को दस्स कमासम नो पड़ी कमामि निंदामि गरियमि अप्पानम ओ श्रम वर्धमानं शरणं भव जामि परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना विराजमान स्नेही श्री तीर्थ श्री महाराज साहब उपस्थित भव्य आत्माओं सुधर्मा स्वामी की अनुभूतियों में परमात्मा प्रभु महावीर की भाव यात्रा चल रही है और ये यात्रा अब समापन की ओर है। कल इसका समापन हो जाएगा और इस यात्रा के समापन के साथ ही जोधपुर की यात्रा का भी समापन हो जाएगा। गंज दोनों ही एक साथ हो जाएंगे। एक सवाल मन में हमेशा किसी भी विचारक के मन में आते रहता है, चिंतक के मन में आते रहता है कि जब व्यक्ति जानता है कि पाप करने की, गुनाह करने की सजा मिलेगी, गुनाह कर करके मैं परेशान होऊंगा, चाहे गुटखा हो, चाहे शराब हो, चाहे हिंसा हो, चाहे जो भी हो, यदि कल परसों का रेफरेंस लेना हो तो वासना के खेल में बाधक बनते हुए अपने जाए को मारने का सोच और मरवाने का सोच रखने वाली नारी को मां कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में मन में एक सवाल उपस्थित होता है कि आदमी ये पाप करता क्यों है, करवाता क्यों है, उसने मरवाया। तो व्यक्ति जानते हुए भी कि ये पाप का परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा, ये करता क्यों है, करवाता क्यों है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या व्यापक स्तर पर सोचना हो, आज तक दुनिया में कहीं आतंकवाद सफल नहीं हुआ, कोई टेररिस्ट कहीं सक्सेस नहीं हुए, लेकिन फिर भी लोग टेररिस्ट बनते भी है, बनाते भी है। व्हाई, क्या कारण? जब सामने गड्ढा दिख रहा है तो गिरते क्यों, गिराते क्यों है? ये गंधर्ववाद में ये चर्चा बहुत लंबी चली थी, यदि नरक है तो नरक में ले जाता कौन है? कोई यमदूत ले जाता नहीं है, आत्मा स्वयं ही चली जाती है। तो बोले नरक में जाना नहीं चाहता तो स्वयं चला कैसे जाता है? और सवाल सामने रखा गया, कोई भी गुनहगार कहीं होकर के जेल में नहीं जाता है, कहीं होकर के पुलिस के पास नहीं जाता है, तो ये क्यों करता है? और सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर की तरफ देखते हैं कि उनके पास पाप करवाने वाले भी थे लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया, करवाने वाले होने पर भी नहीं किया और किसी से कराया भी नहीं। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, मैं कई बार पाप करता नहीं हूं लेकिन मेरे से कराया जाता है। तो ये क्यों कराया जाता है और क्यों हम किसी के कराने से करते हैं? कोई भी मेरे से कराता है तो एक बात तो हम स्वीकार कर ले कि मैं मेरा अधिकार उसको सौंप रहा हूं, तभी मेरे से वो करा पाता है।
मैं उसकी सत्ता को स्वीकार करता हूं तभी वो मेरे से करा सकता है। यदि मैं उसकी सत्ता को इनकार कर दूं तो मेरे से कराएगा कैसे? मैं किसी को मेरा बॉस मानूंगा तभी उसके ऑर्डर में रहूंगा, और यदि मैंने उसको बॉस मानने से इनकार किया तो मेरे से कैसे करा सकेगा? तो ये बॉस कौन है? ये पाप कराने वाला और पाप करने वाला बॉस कौन है? और उसका उत्तर सुधर्मा स्वामी ने दिया, ये जो अंदर में दोष है बाहर में नहीं, जैसे वात पीत कफ के कारण से शरीर में दोष आता है, वैसे आत्मा में दोष किसके कारण से है? कोहम च मानम च तहे वायम लोभम चवुतम अजत दोष है। ये अंदर के दोष है, ये बाहर के दोष नहीं है। क्रोध मान माया लोभ पर अलग से बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो सुनते सुनते आपके कान पक्के हो गए हैं, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये दोष है, इस दोष के कारण से व्यक्ति पाप करता भी है और करवाता भी है। कैसे मुक्ति पाए इससे? सबकी समस्या है, आपकी भी समस्या है, मेरी भी समस्या है कि मैं क्रोध से मुक्ति कैसे पाऊं। गुरुदेव ने कहा था कि जो चीज भाती है उसको इतना खा लो 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 कि यहां तक आ जाए, और अगला एक कवर गया कि उल्टी हो जाए। और उल्टी होने के बाद वापस उस पदार्थ को खाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन एक पक्ष है, लेकिन तुती खान एक राजा होकर के गया, उसने इसका दूसरा उपयोग किया है। अगम में ऐसा जिक्र भी जाता है, कई विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग करने वाले व्यक्ति कैसा आहार करते थे, वो आहार करते और उल्टी करते जिससे वापस आहार किया जा सके, क्योंकि पेट भरा हुआ है और मन भरा नहीं है, खाना तो है, तो फिर उल्टी करते हैं कि जुलाब लगने तक का वेट उनके तैयारी नहीं थी, इधर खाना उधर उल्टी करना है, और पेट खाली हुआ तो वापस खाना है। ऐसे भी कई लोग हैं, लेकिन वनता ये अंदर से वमन कर दिया, परमात्मा ने इनका वमन कर दिया, छोड़ा नहीं इनको। छोड़ने के बाद तो फिर पकड़ने का मन हो जाता है, कई बार छोड़ने के बाद पकड़ने का मन हो जाता है। कई बार हम देखते हैं किसी ने गुटखे का पचकान लिया, वापस खाने का मन हो जाता है उसका, और कई लोग खा भी लेते हैं पचकान लेने के बाद, पचकान तोड़ते भी है। कमेंटमेंट ब्रेक करना आसान है या कमेंटमेंट फुलफिल करना आसान है? क्या आसान है? क्या आसान है? कमेंटमेंट ब्रेक करना आसान है कि कमेंटमेंट फुलफिल करना आसान है? आप क्या चाहते हैं? आपके साथ कोई कमेंटमेंट की जाए, वो सामने वाला ब्रेक करे कि फुलफिल करे? आप क्या करना चाहते हो? गजब का गणित है ना? दूसरा कमेंटमेंट ब्रेक करे तो गलत है, और मैंने कमेंटमेंट ब्रेक करी तो। अरे कमेंटमेंट ब्रेक क्यों करते हैं हम लोग? जितने भी जिंदगी में हम गुनाह करते हैं उसके चार ही कारण है। गुस्से में कमेंटमेंट ब्रेक करते हैं, अहंकार के कारण से कमेंटमेंट ब्रेक करते हैं, माया के कारण से कमेंटमेंट ब्रेक करते हैं, लोभ के कारण से कमेंटमेंट ब्रेक करते हैं। और जहां कमेंटमेंट ब्रेक हो गई पनिशमेंट के लिए तैयार रही है, और जब आदमी पनिशमेंट मिलता है उस समय भूल जाता है कि मैंने कमेंटमेंट कहां ब्रेक करी थी। तो कमेंटमेंट हम ब्रेक करते हैं,
और ब्रेक करने के लिए कभी स्वयं की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। मजा अगली कि मैंने कमिटमेंट ब्रेक करी है, तो मैं कभी नहीं कहता हूं कि मेरी इच्छा थी कमिटमेंट ब्रेक करने की, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि परिस्थितियों के कारण से मैंने कमिटमेंट ब्रेक करी, तो वो निर्णय भी मैं किसके हाथ में दे रहा हूं, परिस्थिति के हाथ में दे रहा हूं कि परिस्थिति थी ने मेरे से कमिटमेंट ब्रेक कराई। और परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने जिंदगी में सपने में भी कमिटमेंट ब्रेक करने का सोचा तक नहीं। प्रैक्टिकली कमिटमेंट ब्रेक तब होती है जब हम ब्रेक करने का सोचते हैं, बिना सोचे कभी कमिटमेंट ब्रेक नहीं होती है। वो सोचने की प्रक्रिया कि मैं ब्रेक कर सकता हूं, मैंने ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करने का ऑप्शन जब हम चुनते हैं तो उसके पीछे चार कारण रहते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और परमात्मा ने इनका वमन कर दिया, वंताश वमन कर दिया, और ये अंदर का जहर निकल गया तो पाप का बुखार आना बंद हो गया है, और दूसरे को भी बुखार देना बंद हो गया। वो पाप करते भी नहीं और करवाते नहीं। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं आपको, आप पाप करते ज्यादा है कि करवाते ज्यादा हो? नहीं, करते भी है करवाते भी है, ये तो मुझे पता है, लेकिन ज्यादा रोल किसका है? करवाने का रोल ज्यादा है ना? और ज्यादा पाप का समर्थन भी आप बहुत करते हैं ना? और समर्थन करते हो आप, एंजॉय करते हो, हाँ, समर्थन करते समय एंजॉय करते हो। जब भी आप स्मार्टफोन का या एंटरटेनमेंट के लिए उपयोग करते हो और शेयरिंग का स्ट्रक्चर शुरू करते हो, उस समय आप पाप करते भी हो, कराते भी हो और अनुमोदन भी देते हैं और उसमें एंजॉय भी करते हो। लेकिन याद रखना, इस एंजॉयमेंट के जब फल लगेंगे ना, तब आंसू पूछने के लिए हाथ नहीं रहेंगे। इस शब्द को पकड़ सको तो जरूर पकड़ना है कि आंसू पूछने के लिए हाथ नहीं रहेंगे। देख सकते हो, नरक का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। पशु को आंसू पूछने के लिए हाथ नहीं है, आंसू बहते हैं उसके, लेकिन पूछने के लिए हाथ नहीं है। इसका वमन करना चाहिए, और वमन करने की जब भी बात आती है तो राजू लाखों को सामने आती है। जिसने रथनेमी को, जो रथनेमी उससे प्यार करने का दामा कर रहा था, लेकिन राजुल को उसमें वासना दिख रही थी, प्यार नहीं दिख रहा था। रथनेमी को लग रहा है कि मैं प्यार कर रहा हूं, राजुल का लग रहा है वासना है। और उस वासना में आंधे बने हुए व्यक्ति को, कोई व्यक्ति वासना में अंधा हो जाए और उसको तुम समझाने बैठो तो केवल दीवार से माथा भचड़ रहे हो। लेकिन राजू ने उसको समझाया नहीं, उससे गिफ्ट मांगी, उपहार मांगा, और उपहार मांगा और उसने उपहार दिया कि गोकुल में थे, और उस समय सबसे बड़ा उपहार माना जाता, आज आपकी तो बहुत सारी डिशें हो गई, उस समय की सबसे बढ़िया डिश जो दूध से बनती थी वो डिश सबसे बढ़िया होती थी, तो उसमें बढ़िया दूध बना करके मसालेदार, उसमें केसर आदि सब डाल करके दूध दिया, और वो गोल्डन पॉट में दिया, सोने के बर्तन में दिया, राजुल ने पिया उसको। रथनेमी खुश हो गया कि मेरी गिफ्ट स्वीकार कर ली, इसका मतलब मेरा प्यार स्वीकार कर लिया,
गलतफहमी में हम रह सकते हैं, आराम से रहते हैं। गलतफहमी में रहने के लिए कौन मना कर सकता है कि मेरा उपहार स्वीकार कर लिया इसका मतलब मेरी प्यार कबूल कर लिया है। और राजुल जाकर के पीती है, उसके सामने पी लिया और जाकर के उल्टी करती है और उल्टी करके रिटर्न गिफ्ट देती है, तूने जो दिया मैंने पिया, अब मेरा दिया हो तू पी ले। काश हम सबको कोई राजुल मिल जाए, मिलने चाहिए। राजुल मिलने चाहिए कि शब्द काम में नहीं आते, बखान काम में नहीं आते। क्योंकि राजुल आपको उल्टी पिला देना और फिर रथने में क्या लगता है कि नहीं, फिर वो वासना के चक्कर पर चल नहीं पाया। ऐसे ही पाप करता व्यक्ति है इसके कारण से, नहीं करता है जिसके अंदर क्रोध मान माया लोभ नहीं है, उसके पाप करने का कोई कारण बसता नहीं। अपने पाप का कारण ना मन में है, ना वचन में है, ना काया में है, ना कर्म में है। अपने पाप का कारण केवल अपने क्रोध मान माया और लोभ में है, ना पंचम काल में है, ना परिस्थिति में है। उसका मूल कारण जो है सोर्स है वहां पर है। और इसका वमन क्या है, इसलिए परमात्मा पाप करते भी नहीं और करवाते भी नहीं। इतनी सी बात कहने के लिए सुधर्मा स्वामी ने पहले 25 गाथाएं बोली और आखिर में इस बात पर आए। अगली गाथा थोड़ी गहराई से समझना है। जीवन में चार प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याओं का समाधान प्रयास करने के कारण से होता है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान प्रयास करने के कारण से नहीं होता है। कई समस्याएं जिंदगी में ऐसी आती हैं कि जिनका समाधान केवल आराम से होता है, वर्किंग से नहीं होता है, केवल रेस्ट से होता है। कई समस्याएं ऐसी आती हैं जिंदगी में कि जिसका समाधान करने के लिए प्रयास करना इस समस्या को उलझाना होता है। यदि आप प्रयास नहीं करोगे तो समस्या सुलझ जाएगी, ऐसी भी समस्याएं होती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनको केवल समर्पण के कारण से समाधान मिलता है। ना तो निष्क्रिय होना है, ना प्रयास करना है, केवल क्या करना है, समर्पण करना है। और कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनको डस्टबिन में डाल दो सुलझ जाएगी। किस में डाल दो? डस्टबिन में डाल दो। अपनी लाइफ की गड़बड़ी ये है कि जिस समस्या को डस्टबिन में डालना चाहिए उसको अपन लॉकर में रखते हैं। जिस समस्या का समाधान समर्पण से हो सकता है वह हम आक्रमण करते हैं। जो समस्या प्रयास मांगती है वह हम आराम में जाते हैं। और जिस समस्या का समाधान आराम से हो सकता वह पसीना बात है। परमात्मा प्रभु महावीर ने साधना कैसी करी उसका उत्तर देते हुए सुधर्मा स्वामी बिल्कुल पूरे लाइफ का समाधान दे रहे। क्रिया क्रियानवायन बढ़िया चटान से सौवायता संजम देय। ये जो मोक्ष मार्ग है, संयम का मार्ग है, इस पर चलना हो तो जीवन में इन चार बातों को पहले समझना होगा। इस अपनीति में पंचतंत्र में एक कहानी जाती है। एक सियार जा रहा था और उसने देखा कि पेड़ के एक खो में कुछ बच्चे हैं, तो खो में चला गया, पेट खाली था, अंदर गया और अंदर जितने भी
बच्चे थे सब खा लिए तो पेट फूल गया। अब पेट फूल गया तो बाहर आने का प्रयास कर रहा है, गया तो आराम से था क्योंकि पेट खाली था, अब बाहर निकला नहीं जा रहा है और परेशान और निकलने का प्रयास कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है निकलने के लिए और शरीर लुलुहान हो रहा है, निकल नहीं रहा। दूसरे उधर से एक सयाना सियार निकला, उससे बोले क्या कर रहा है, बोले समझ में नहीं आता है मैं इधर गया तो था निकल क्यों नहीं पा रहा। बोले दो दिन आराम से अंदर बैठ जा, कुछ मत कर, दो दिन आराम से बैठ जा, आराम से निकल जाएगा। दो दिन आराम से बैठ गया, पेट खाली हो गया, आराम से बाहर आ गया। ऐसे जीवन में कई समस्याएं आती है जिनमें उद्योग करना गुनाह होता है और आराम करना साधना होती है, और कुछ नहीं करना ही समाधान है। उसको कहते अक्रिया, उसके पहले क्रिया कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, जो कर सकता हूं, जो किया जा सकता है उसको करना, इसको क्रियावाद कहते हैं। जो कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, ये आपने कभी देखा क्या, आप जो कर सकते हो वो करते हो कि जो नहीं कर सकते वो करते हो, आपका आपकी सारी ताकत किसमें लगी हुई है, जो कर सकते उसमें लगी कि जो नहीं कर सकते उसमें लगी, नहीं कर सकते। इतना भी आपको इस विरुद्ध में समझ में आ गया कि मेरी ताकत में नहीं कर सकने में लगा रहा हूं, तो वहां से परे हट जाओ, है ना। इस शरीर को जवान नहीं रखा जा सकता है, बाल सफेद होने ही होने, तुम चाहे जितना तेल लगा लो, चाहे जितनी डाई लगा लो, है ना। लेकिन सारा कॉस्मेटिक का मार्केट उसी में लगा हुआ है कि जो तुम नहीं कर सकते वो कर सकते हो। और आप सोचो यदि आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मैंने कितनी ही डाई लगाई तो बाल सफेद होने वाले नहीं, केवल दिखने वाले हैं। और कब तक दिखेंगे, जब तक नीचे से दूसरा बाल उभर नहीं आता है, और फिर वो खिचड़ी ऐसी सुंदर दिखती है ना, नीचे बाल सफेद है ऊपर मैं तो बहुत डायरेक्ट बोलते रहता हूं, कई बार जब दादा दादी को डाई करते हुए देखता हूं ना, मैं उनको डायरेक्ट पूछता हूं, कई बिचारे वापस सेकंड टाइम फेरा लगा उनको बिचारे कई वाई ना, अरे सफेद बाल तो मैच्योरिटी का निशान है, रिस्पेक्टेड है, और पता नहीं क्या दिमाग में बैठा हुआ है। और यदि रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते चले जाओ तो सामने आता जा रहा है कि कैंसर के सारे केमिकल्स उसमें है, लेकिन वो एक ऐसा कैंसर लगा हुआ है कि सारा कैंसर की रिपोर्ट पढ़ करके भी वो करते ही रहता है। जो कर नहीं सकते उसमें ताकत लगी हुई है, जो कर सकते हैं उसमें ताकत लगा दो। पता है कि अब इसका अंतिम समय आया है, अब इसको कितनी ही मशीन पर रखो तो जिंदा नहीं रखा जा सकता है, लेकिन ले जाओ वेंटिलेटर पर, लगाओ ये, लगाओ वो, कितना ही लगा ले, स्वीकार करना चाहिए। जो नहीं कर सकता हूं वो स्वीकार करना चाहिए, क्या कर सकता हूं कि उसमें मैं पचकान करा सकता हूं, मैं सत्य को स्वीकार कर सकता हूं, आराम से हो सकता है।
चिंता करना ये अक्रियावाद है। क्या अक्रिया है? कि तुम्हारे चिंता करने के कारण से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। टेंशन के कारण से कोई सोल्यूशन लाइफ में मिलता नहीं है। टेंशन ये अक्रियावाद है। जो सुलझा सकते उसको सुलझा लो, क्रियावाद है। और कई जीवन की समस्याएं ऐसी होती है कि जिनका समाधान केवल झुकने से होता है। वह आराम भी नहीं करना, वह प्रयास भी नहीं करने, करना क्या केवल झुकना है। हर जगह नहीं, देखा कि मत्था टेका, देखा कि मत्था टेका, नथिंग। इतने अपने सर की कीमत कम भी मत करो कि हर जगह रगड़ता चला जाए। कहां समाधान झुकने से मिलता है? झुको वहीं पर जहां समाधान मिलता है, जहां से समस्याएं मिलती वहां झुको मत। अर्जुन माली वहां झुक रहा था जहां से उसको समस्या मिली। सुदर्शन वहां झुका जहां समाधान मिल रहा था। इसको कहते विनयवाद। और कुछ बातें ऐसी होती है कि जिनके दिन में दिमाग लगाना मूर्खता है। ऐसी कई बातें होती है कि वो महाराज साथी इसको क्यों वागियो, लगा ले जितना लगाना उतना दिमाग लगा ले तू, महाराज साथी इसको क्यों हुई हो, लगा ले दिमाग। पोस्टमार्टम के लिए चिरफाड़ करना ना ऑपरेशन के लिए चिरफाड़ करना। ऑपरेशन के लिए चिरफाड़ ओके, पोस्टमार्टम के लिए चिरफाड़ कोई मतलब नहीं। और सारे मास्टर हो उसमें, मतलब नहीं कैसे होते लेकिन मास्टर भ्रमित होते हैं ना। वो इसको क्यों हुई हो, अब आगे देखना और हम बारे किसो निकल लो। तो जिसका मैं उत्तर पा नहीं सकता हूं उसका उत्तर पाने की गलती नहीं करना है। इसको कहते हैं ये अज्ञे है, इसको जाना नहीं जा सकता है। इसको स्वीकार कर लेना है कि संसार कब से शुरू हुआ, माथा पच्चे मत कर, इरमो बारीकी सुनी कर लोगों को देख है ना। नहीं पहलो कर्म बंद करी हुई हो, माथा पच्चे क्यों करे? उसके जानने से कोई सोल्यूशन होने वाला? गुरुदेव बहुत प्यारी कहानी सुनाते थे, उस कहानी को सुना करके समेट लेता हूँ, 10:15 बज रही है। एक ब्राह्मण नदी में सुबह सुबह स्नान करने के लिए गया है और स्नान होने के बाद जैसे ही सूरज को जलांजलि देने के लिए पानी हाथ में लिया तो उस पानी में कुछ कचरा आ गया, कुछ खाने की चीज़ें, पीने कुछ अभक्ष्य जैसी चीज़ें आ गई। अब उसने देखा कि जाकर के देखूं ये कहाँ से आया है। ऊपर गया 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 तो देखा तो वहाँ कुछ बहने कपड़े धो रही थी। बोले ये बर्तन किसने मांजे यहाँ पर? बोले बर्तन मांजने वाले थे गई गांव में। बोले कहाँ रहती वो? बोले चंडाल की बस्ती में। अब गया चंडाल की बस्ती में, बोले तूने बर्तन मांजे उसमें क्या? बोले कल हमारे घर में श्रीमान जी लेकर आए थे मुर्दा, उसका करने गए थे। गुरुदेव ने कहा उसके बजाय उसमें गंदा आया छोड़ दिया, दूसरा पानी ले लेता, माथे को तान नहीं था। काहे को खुराफत करनी ना? और ऐसी खुराफत के कारण से अपना दिमाग कितना अपन खराब कर लेते हैं। परमात्मा ने ये चार बातें स्वीकार कर ली, जो मेरा करने जैसा वो करते थे, जो करने जैसा नहीं उसको छोड़ देते थे। जहां झुकना था सिद्ध परमात्मा के सामने वहां झुके,
और कई झुके और जो जाना नहीं जा सकता था उसको जानने का प्रयास किया ही नहीं। कभी जिंदगी में संगम आया तो उसको क्यों ये मुझे तकलीफ दे रहा, जानने का कोई मतलब नहीं। ये मच्छर मने क्यों काट रही है, तीर्थेश्वर जी क्यों नहीं काट रही है, उसका कारण खोजने जाऊंगे इरासते मारू कहीं वही रह गई नथिंग ना, माथा पच्ची नहीं करना। तो जीवन में इस समस्याओं को समझिए, समस्या का स्वरूप समझिए। कई समस्याएं तुम्हारा प्रयास मांगती, कई समस्या तुम्हारा आराम मांगती, कई समस्या तुम्हारा विनय मांगती है और कई समस्या कहती दिमाग मत चला, लेकिन इधर का उधर मत करना। सब्जी में से नमक डालना, दूध में मत डालना, प्राय गड़बड़ अपनी ये होती रहती। माँ साहब ने किए कि नहीं नहीं प्रयास नहीं करना है, तो वापस उल्टा हो जाएगा। प्रयास कहाँ नहीं करना, 4 बजे सूर्योदय करने का तुम प्रयास करोगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और जब होना है तभी होगा। ऐसी ये विरुद्धी की यात्रा सुधर्मा स्वामी के साथ चल रही है। और आज जोधपुर में तो 3री बार हूँ, लेकिन इस हेरिटेज में 1ली बार हूँ। इसके पहले किसी ने मुझे हेरिटेज का रास्ता बताया ही नहीं, फर्स्ट टाइम भी हुआ। पर 2001 में था ही नहीं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब 20 साल का एक कार्यक्रम। अच्छा है, 15 साल का है, यानी 2001 के बाद का है, फिर ठीक है। बहन मैं शिविर से बाहर निकल रहा था और ये बहन बाहर खड़ी थी और मुझे पूछ रही थी प्रवीण ऋषि कौन है। मैंने कहा मैं हूँ। ये समस्या मेरी रोज की है, लोग मुझे आकर पूछते प्रवीण ऋषि कौन है और मैं कहता हूँ मैं प्रवीण ऋषि, मुझे देखते यही है कि पता नहीं क्या है। ये पहले से जब सम्मेलन के लिए, पुनः सम्मेलन के लिए रूपचंद जी महाराज साहब ये सारे संत वहाँ पहुँचे तो मैं स्वागत के लिए पहुँचा था उनके आगे लेने के लिए, तो मुझे पूछा प्रवीण ऋषि, बोले मैं तू, मैंने कहा मैं तो मैंने कहा मैं, तो इसने अपना नाम बताया मैं कोचर हूँ, फिर दूसरा किसी का परिचय दिलाया उसको आप पहचानते हैं। मैंने कहा उसको पहचानता हूँ लेकिन तुम्हें भी पहचान लेता हूँ ना, अब क्या देख रहे। बोले हम सेवा में आ सकते कि मैंने दरवाजे खुले रहते हैं, बंद रहते ही नहीं कभी, ये पहली विजिट है। और उसके बाद वो बहन आती गई, निरंतर कहती रही कि मार सब सेवा का अवसर, सेवा का अवसर। उसने कभी मेरी सेवा नहीं ली, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा उसने, हमेशा एक ही बात रहती थी कि मारा सब कुछ करने का मौका दीजिए, कुछ करने का मौका दीजिए। एक दिन ऐसे कार्यकर्ता वहां खड़े थे और कुछ बाहर से आने वाले मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था के लिए बात चल रही थी, तो इस बहन ने कह दिया कि हमारा बंगला पड़ा है, बोले वहां 25-30 लोग ऐसे रुक जाएंगे, बोले ये चाबी। अभी बात चली आरामी जगह, बोले मेरा बंगला। मुझे याद नहीं है कि कभी उसने आकर के कहा कि मारा साहब मुझे कुछ दो, जब भी आई तब एक ही बात थी आप मुझे सेवा ही नहीं देते हो, आप मुझे करने का मौका ही नहीं देते हो, आपके पास सब करते हैं मुझे ही करने का मौका नहीं देते। और चतुर्मास की शुरुआत से तब से चला था कि हमारा साहब एक दिन घर पर पधारना है, एक दिन घर पर पधारना। मैंने कहा चौमासे में कैसे आऊंगा, कई लोगों को
आश्चर्य लगा होगा, जाना बनाड़ की तरफ है और हमारा सब इधर क्यों आ गए, इधर आए इसके लिए आए। और ऐसे बहुत परिवार है जिनके यहां मुझे जाना था, ये भी मैं कह देता हूं, केवल एक ही परिवार की बात नहीं, बाफना जी के यहां मुझे जाना था, किशोरलाल जी के यहां मुझे जाना था, ऐसे बहुत सारे परिवार है जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, चोपड़ा जी के यहां जाना था, ऐसे बहुत परिवार है कि जहां मैं जाना था लेकिन जा नहीं पाया, जहां जा सकता था जितना समय था उसमें गणित बैठाया। खुशी है आए, और ये इसी साल ये परिवार जुड़ा है, इसके पहले कोई कनेक्शन भी नहीं था, रिलेशन भी नहीं था, किसी ने इंट्रोडक्शन भी नहीं करा, डायरेक्ट आकर जुड़े हुए, वाया नहीं आए। और जब भी ऐसा होता है तो मैं उसको स्वीकार कर देता हूं, माथापच्ची नहीं करता। रिश्ते कब शुरू हुए, कैसे शुरू हुए, इसका इतिहास किसी ने खोजना नहीं, पता नहीं किस जन्म का क्या होगा, किस तरीके से होगा, कोई अपन क्या जानते। भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम को इतना ही कहा कि तू चिरकाल से मेरे साथ है, कई भवों से तू मेरे साथ है। भगवान महावीर ने भी नहीं कहा इंद्रभूति गौतम को कौन से जन्म में मुझे पहली बार मिला, इतना ही कहा कि चिर संठिवो सी, बहुत लंबे समय से तू मेरे साथ है। तो वहां इंद्रभूति गौतम भी नहीं पूछा कि पहला कौन कौन से जन्म में मिला आपको, वो नहीं पूछा उसने, उसने कहा हूं तो हूं। अभी बोरा ना जी, कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, जुड़ गए, जुड़ गए। जोधपुर तो केवल जुड़ने का ही इतिहास है, और इसी में मजा है। अहिंसा जुड़ने को कहते हैं, अहिंसा किसको कहते हैं, और टूटना और तोड़ना ये हिंसा है। एक राजकुमार बहुत उदंड था और उसके पिता बहुत परेशान थे, इकलौता बेटा है, इसको राजसत्ता सौंपनी है और इतना वायलेंट है, ये कैसे प्रजा का पालन करेगा, कैसे प्रजा का संरक्षण करेगा। तो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, गौतम बुद्ध ने कहा कि समस्या उसको उसको भेज दे, तुझे दवा देकर क्या होगा, जो बीमारी उसी को दवा दो। तो भेजा, वो आया राजकुमार, राजकुमार आया तो गौतम बुद्ध ने कहा एक काम कर सकता है। बोले क्या, बोले सामने पेड़ है ना, उसकी पांच पत्तियां तोड़ के ले आए। बोले पांच पत्तियां अभी तोड़ सकता हूं, बोले गया और बहुत दो चार फांदे तोड़ के ले आया। अरे बोले मैंने तुझे पांच पत्तियां कही थी, अभी तूने पांच पत्ती कह लो, बाकी जितना तोड़ा वापस ले जाकर उस पेड़ को लगा क्या। राजकुमार ने कहा पागल तो नहीं, तोड़ तो सकता हूं, बोले लगा, आपका क्या विचार है, आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो, नहीं ना। रिश्ते के पत्ते टूटने के बाद लगते नहीं है, इसलिए टूटने के पहले ध्यान रखना है। इनको तोड़ो मत, ये टूटे तो फिर लगते नहीं है, ये टूटे नहीं तब तक इनको संभाल करके रखो। और इसलिए ये प्रयास रहता है अहिंसा का, संयम का, तप का, इस आंगन में है, पहली बार आए हैं। बाकी आनंद मंगल, बोले भगवान महावीर स्वामी की। और कल का आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपके आंगन में परमिशन को कौन, कल का जैन नगर, लक्ष्मी नगर, जैन कॉलोनी, करण दास साखी वंसरा के आंगन में कल का कार्यक्रम रहेगा, सुबह का।
शाम को वहां से महावीर नगर। गुरु जी, प्रवीण ऋषि जी, मालासा जी, वथे मंदामी, छोटे मालासा जी, मैंने ये गाना आपके लिए लिखा है छोटे मालासा जी से इंस्पायर होके, क्योंकि उन्होंने हमको शिविर में सुनाया था, इसलिए सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे। सो गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि मालासा जी, कैसे आपसे दिल ना लगाए कोई, भगवान जी ने आपको बनाने में कर दी है इस संसार की खाली तिजोरिया, आपने सबके घरों में लाए है कितनी कितनी ये सारी खुशियाँ, गुरुदेव हमारे दिल में बस गए, अब आपको हम कैसे भूलेंगे, आप हमारे लिए सब कुछ है, आपके बिना हम अधूरे हैं, हो गुरुदेव हमारे दिल में बस गए, आपकी बातें हम ना भूलेंगे, आप हमारे लिए सब कुछ है, आपके बिना हम अधूरे हैं, हो हमारे हर कदम में गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारे सुख दुख में भी गुरु जी हमारे साथ है, हमको हमारी गलती अच्छे से समझाते हैं, हमारी अच्छाई को दो तारे देते भगवान जी ने, हमको आपसे मिला के कर दी है जिंदगी हमारी न्यारी न्यारी, आपकी स्माइल से हमको मिली कितनी सारी खुशियाँ, गुरुदेव हमारे दिल में बस गए, अब आपको हम कैसे भूलेंगे, आप हमारे लिए सब कुछ है, आपके बिना हम अधूरे हैं, गुरुदेव हमारे दिल में बस गए, आपकी बातें हम ना भूलेंगे, आप हमारे लिए सब कुछ है, आपके बिना हम अधूरे हैं, हो कैसे आप, सॉरी मेरा बहुत वो हो रहा है क्योंकि मैं स्टेज फ्राइट हो गया, इसलिए कोई बात नहीं, आराम से। हर्ष हर्ष पचकान एकासन उगे सूर्य एक समय के प्रांति नहर के पचकान स्वासनम खम सम सहसा गरे नम हत्या गरे नम सव समय वत्या गरे नम ओ सरे ओ सरे ओ सरे। आज का उपवास अयम्बेल उगे सूर्य अयम्बेलम पचका मेले वाले वेलम सहसा गरे नम हत्या गरे नम सव समय वत्या गरे नम ओ सरे ओ सरे ओ सरे। आओ आप बोलो, अब आपका काम है। ओके 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 हाँ, ऑनलाइन यदि बहन सुन रही होगी तो लंदन से जो बहन अभी जोधपुर दर्शन के लिए आकर गई थी, हमारे वंदना जी को जो अरश शासन परिषद के जोधपुर के अध्यक्षा हैं, उसको उस बहन के साथ संपर्क करने की भावना है, तो बहन यदि सुन रही होगी तो अपना नंबर हम भिजवा दे, है आपके पास? ओके, हो गया काम, यही काम हो गया। हाँ, पंच परमेष्ठी को नमन, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव से रिलेटेड, गुरुदेव ने जो हमारे जोधपुर के अंदर जो भी शिविर किए हैं, पुरुषाकार का है, अष्टमंगल का है, उन सब के लिए गुरुदेव ने जोधपुर में एक सेंटर खोला है, तो उस सेंटर में अर्थ शासन परिषद, उस सेंटर का नाम रखा है,
उस सेंटर से आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, बाहर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा है और आगे जो जो एक्टिविटीज उस सेंटर में होगी आपको उसमें डिटेल मिलती जाएगी और गुरुदेव के साथ जुड़ने का एक अच्छा मौका है। तो प्लीज़ आप जो भी जुड़ना चाहें ये फॉर्म फिलअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आज गुरुवार है और अगले गुरुवार से सरदारपुरा के चोलिया हाउस में 8:15 से 9 उत्तराध्यन सूत्र की आराधना शुरू होने जा रही है। तो आने वाले गुरुवार के दिन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 8:15 के पहले महावीर कम्युनिटी सेंटर के पीछे ही चोड़िया हाउस है, सबको पता ही है, चौराहे के पास, वहीं पर उत्तराध्यन का कार्यक्रम जो नीचे स्थानक पहले से बना कर रखा हुआ है उस स्थानक का उपयोग शुरू हो जाएगा। तो उत्तराध्यन के साथ आर्य शासन परिषद का कार्यक्रम जोधपुर में शुरू होने जा रहा है। तो जो भी उत्तराध्यन सूत्र से भक्ति करते हैं उनसे आग्रह है कि वो स्वयं भी जुड़े और उनको भी जुड़े। 8:15 से 9 का कार्यक्रम चलेगा। पंडित जी महाराज साहब के सानिध्य में आज जो ये प्रवचन माला महिषा कोचर की परिवार की तरफ से और मधु जी के बहुत ही भावना थी। मुझे मधु जी और महिषा कई बार कहते थे, नरेशा आप पंडित जी महाराज साहब के जाते हैं, और मैं भी दर्शन के लाभ लिया था मैंने, लेकिन कारण भी सर निरंतर तो नहीं रह पाया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि महिषा के कारण आज हमारे कॉलोनी में पंडित जी महाराज साहब पधारे, जो पूरे भारत में नाम है पंडित जी महाराज साहब का जैन श्रृंखला में। तो हम कृतज्ञ हैं उम्मीद हेरिटेज परिवार की तरफ से, महिषा और मधु जी की बड़ी भावना रही और महाराजा ने इस बात को यहाँ पर आकर हम सबको कृतज्ञ किया, हम इसके आभार प्रकट करते हैं। महिषा का यही कहा कि नरेश साहब बोलो, मैं तो खुद बोलना जानता नहीं हूँ। महाराजा महिषा कोचर की परिवार की तरफ से अभी आप सभी को प्रसादी लेके पधारना है। नहीं, बोलना बहुत अच्छी तरह से जानते हो, धर्म सभा में बोलना नहीं जानते। बताए मुझे। मैं तो नेता नहीं, मैं तो समाज का ही आपके बीच का ही कार्यकर्ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप सब लोगों का सानिध्य, और मैंने अभी सभी महेशा ने जब कहा कि पैदल चलना है महाराज साहब लेने, मैंने कहा मैंने बचपन में बहुत गया, अभी मेरे कारण विशेष मैं नहीं जा पाया, और भाव तो मेरे बहुत रहते हैं महाराज साहब, मैं आपको सच बताऊँ मेरे मन में इतनी भावना रहती थी, और मैं एक दो बार रात को आया भी था आपके यहाँ, लेकिन वो माहौल जो है बस मैं उसके बारे में अभी बात नहीं कर पाऊँगा, बट मेरे भाव बहुत रहे आपके, मैं सानिध्य लूँ, लेकिन मेरे समय की कमी रही, और प्रभु की प्रार्थना रहेगी तो एक चातुर्मास फिर होगा मेरी तरफ से, मतलब हम सबकी तरफ से हमारी ये भावना रहेगी कि आप बस एक बार जोधपुर पधारे और समय मिलेगा तो हम और महिषा जरूर आपके एक बार साल में दर्शन करने आएंगे, आशा ये हम संकल्प देते हैं महिषा के आज्ञा के बिना। महिषा लेके आएंगे या मैं महिषा को लेके आऊँगा? नहीं, आप मेरे चमासे सारे ऑनलाइन ही रहेंगे। तो बस हम सब आपके आभार हैं और सभी प्रसादी लेके पधारे। अब टेक्नोलॉजी ने आने जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी है, और जब मैं जय बोलने लगा तो महाराज साहब ने कहा जय न बोलो, मैं कहा महाराज साहब जब गुरुदेव पधारते हैं तो जय तो स्वतः ही निकलती है, उत्साह होता है, तो आज हम दिल से बता रहे हैं आपको, मुझे तो बहुत पर्सनली मेरे आनंद विभोर हूँ सुबह से, जब महाराज साहब ने महेश्वर ने मुझे कहा तो मैं दिल से बता रहा हूँ, मैंने कहा कितनी प्रभु की कृपा है मेरे पर कि महाराज साहब के भाव थे तो महाराज साहब स्वयं आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। शायद महक भी पहली बार नंगे पाँव चली होगी ना। बाकी आनंद मंगल। जय आनंद आनंद गाए जा, जय चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों जय आनंद आनंद गाए जा, जय ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषि कलिमल भावो से दूर हटो, कलि यह गीत रसी का सुनाए जा, यह गीत रसी का सुनाए
जय आनंद आनंद गाए जा जय आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद श्री जी महाराज साहब की गुरुदेव की आज्ञा से जवारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारी शरणम भवज्जामि हरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहू शरणम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदो। बोले भगवान महावीर स्वामी की अंगुष्टे अमृत वसे अभित ना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिए मन वांछित फल दाता भावे भा भावे धर्म आराधिए पावे केवल ज्ञान पावे मारा आनंद गुरु रोठाड़ दीपायो जिन शासन रो पाठ मारा आनंद गुरु रोठाड़ दीपायो जिन शासन रो पाठ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा तीखु तो आया मारा अखियन राथे ज्योति मारा हिरदा राथे मोती मारा अखियन राथे ज्योति मारा हिरदा रात मोती मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो साथ